पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के नगर निगम में चल रहा पार्किंग का खेल भले ही ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा हो, लेकिन यहां के अधिकारियों को ये खेल खूब पसंद आ रहा है। आजकल नगर निगम में अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध पार्किंग भी खूब फल फूल रही है। अभी गत दिनों ये मामला उजागर हुआ तो जरूर, लेकिन अधिकारी जानकर अनजान बन गए। शहर में चल रही अवैध पार्किंग को लेकर चल रहा विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और नया मामला सामने आ गया, जहां पर खुलेआम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। मजे की बात तो ये है कि शहर में चल रही नगर निगम की सभी पार्किंग से इतना मुनाफा नहीं मिलता होगा जितना यहाँ की एक पार्किंग से यहाँ के ठेकेदार लखपति बन रहे हैं। दरअसल ये पार्किंग है मुरादाबाद शहर के बीचों बीच बनी सुपरमार्केट में, जहां पर आने जाने वाले ग्राहक से 5 रुपए और 10 रुपए की वसूली की जाती है। हर दिन लगभग 500 से 700 गाड़ियां यहां पर आती हैं और प्रतिदिन लगभग 5000 से 7000 रुपया अवैध पार्किंग से वसूला जाता है। अवैध वसूली का ये कारोबार वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन सभी ने यहां पर अपनी आंखें मूंद रखी हैं। आंखें मूंदे भी तो क्यों ना इस मामले में सत्ताधारी नेता का हस्तक्षेप जो है। आपको बता दें कि ये वही नेता है जिनका नाम एक पार्किंग को लेकर खूब सुर्खियों में सामने आया था। जब नाम इन नेता का आता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यदि नगर निगम यहां पर अपनी पार्किंग चलाए तो लाखों रुपया महीना नगर निगम को आमदनी हो सकती है। लेकिन सबको जानकर भी नगर निगम अनजान बना हुआ है। इसकी वजह यह भी है कि नगर निगम के अधिकारियों के आटे के लड्डू बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं।